पंचायत मछेड़ा से बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ जिनको कहते हैं राजनीति में चाणक्य की संज्ञा भी इनको दी जाती है, पराक्रम चंद जी जो कभी उप प्रधान के पद पे होते हैं तो कभी बीडीसी सदस्य के पद पे विराजमान होते हैं, और मौजूदा समय में अभी वो ग्राम पंचायत मझेड़ा से बीडीसी के सदस्य हैं। आपको पराक्रम जी सबसे पहले यहाँ का चाणक्य भी माना जाता है कि आप गेम कमाने में काफी ज्यादा माहिर है, शातिर बुद्धि के इंसान हैं आप, कि राजनीति के गुरु की संज्ञा भी आपको दी है, तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत मझेड़ा काफी ज्यादा विवादों में रही है, काफी सुर्खियां बिटोरी है विवादों की, और उसमें आपकी भागीदारी कितनी रही? चाणक्य यानी मेरे स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो मैं एन स्टार न्यूज और यहाँ आए हुए मीडिया बंधुओं का ग्राम पंचायत मझेड़ा में हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पे जो पहली बार डिबेट की है। तो मैं यह चाहता था कि हमारे जो प्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत मझेड़ा में जो प्रधान पद के जो प्रतिनिधि थे वो आते तो और अच्छा लगता और उनकी बातें सुनने को हमें मिलती, परंतु दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमारे ग्राम पंचायत मझेड़ा के किसी भी उम्मीदवार ने यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठाई। मैं प्रतापचंद प्राकम सन 2000 में उप प्रधान का इलेक्शन लड़ा, तब मेरी आयु केवल 26 वर्ष की, और मुझे विकास खंड लंबा गांव में विकास अधिकारी ने खड़े होकर ये कहा था कि ये लड़का सबसे छोटी उम्र का हमारे जो ब्लॉक में आया है, मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तभी मुझे जो वहाँ पे बोलने का मौका मिला, मैं पहली बार बोला तो मेरे को जो वहाँ से जो अपनी खुशी उत्पन्न हुई, और मैं सन 2000 से लेकर 2005 तक उप प्रधान के पद पर रहा। मैंने तब जो विकास के कार्य थे ग्राम पंचायत मझेड़ा में अपने स्तर पर भी करवाए, बाकी जो ग्राम पंचायत मझेड़ा में जो सरकारी सुविधा जो आती थी उसको मैंने बखूबी निभाया। वर्तमान में मैं पंचायत समिति का सदस्य हूं और ग्राम पंचायत मझेड़ा और दुगो से इस वक्त निर्वाचित हूं। आप पराक्रम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, बात थोड़ी कड़वी है, करेले की तरह मीठी भी हो सकती है, जलेबी की तरह सीधा सवाल है। ग्राम पंचायत मझेड़ा पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित पंचायत है, और इस पंचायत में आप वर्ष 2000 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप हमारी जनता को हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि मझेड़ा में जो डिस हॉस्पिटल बनना था वो किसकी नालायकी से ग्राम पंचायत भाणा में शिफ्ट हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए मैं एन स्टार न्यूज का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने आज तक दिन तक नहीं उठाया। आज मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो सिविल डिस्पेंसरी मझेड़ा में है उसको उठाकर भाणा शिफ्ट कर दिया जाए। तत्कालीन जो पंचायत के नुमाइंदे थे किसी ने इसका विरोध नहीं किया, तो मैं उन पंचायतों का तब की पंचायतों की ये नालायकी समझता हूँ कि जिन्होंने हमारी जो सिविल डिस्पेंसरी थी उसको उठाकर वहाँ पे शिफ्ट करवाया। मैं सबसे बड़ी देन उनकी मानता हूँ, और हमने जो यहाँ के जो विधायक थे यहाँ जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनसे डिमांड की थी कि आप यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल जो है वो दोबारा खुलाएं, तो हमारी डिमांड जो है वो हमने दी है। पराक्रम जी, आप बीडीसी सदस्य है, पावर पे हैं, नेता हैं, लोगों ने आपको वोट दिया है 3 पंचायतों का, कि लोगों के वोट से आज आप पंचायत समिति सदस्य बने हैं, मगर आपकी एक पंचायत जो होम पंचायत है वहां की जो डिस्पेंसरी है आज वो खुद बीमार है, पोलियो से ग्रसित है आपकी डिस्पेंसरी का भवन। आपने उसके बारे में पिछले 5 वर्षों में कितनी बार पत्राचार किया और कितनी बार जो है आप जनता को साथ लेके धरना प्रदर्शन में बैठे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो पंचायत समिति
सदस्य के रूप में अभी विकास खंड लंबा गांव में जब हमारी जो मीटिंग होती है, मैंने इसका प्रस्ताव बाकायदा प्रस्ताव आप जो विकास खंड लंबा गांव से इसका मतलब वो निकाल सकते हैं कि आपने इसका प्रस्ताव डाला हुआ है या नहीं डाला है। मैंने इसका प्रस्ताव जो जर्जर मीटिंग थी इसका प्रस्ताव डाला हो और आपको ये जानकर खुशी होगी, आपको एन स्टार को जानकर खुशी होगी कि ये जो डिस्पेंसरी है इसका 20 लाख रुपए का भवन का बजट है वो पास हो चुका है। साथ में मैं डिबेट के लिए आपके साथ डिबेट है, डिबेट में आपके उसी पंचायत से जो प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं उनसे भी पूछूंगा इस बारे में, साथ में आपसे पूछूंगा, काफी लंबी आपकी ये वार्तालाप चलनी है। हेमराज जी आप बताइए, आप उस पंचायत से हैं और आप एमएलए की दौड़ में थे, इतने बड़े पद की दौड़ में थे, मगर आपके गृह क्षेत्र की जो डिस्पेंसरी है उसको चुरा के वहां से उठा के ग्राम पंचायत भाणा में लेके गए, मगर आज वो भवन जो है पोलियो से ग्रस्त हो चुका है, खुद वो भवन बीमार पड़ा हुआ है, इसमें आपने आज दिन तक क्या एफर्ट्स किए, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो इसके लिए हमारे बीडीसी सदस्य प्रताप चंद जी पहले इसमें अपनी लाइट दे चुके हैं, मगर आज इस भवन नया भवन बनने के लिए जो राशि है वो स्वीकृत हो चुकी है, आचार संहिता के बाद इसका बहुत बढ़िया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। जी अब मैं बात करूंगा, आपसे भी सवाल होंगे, अब मैं बात करता हूं मौजूदा जो प्रताप चंद उप पराक्रम के नाम से आपको ज्यादा जानते हैं दुनिया, आपके पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियां कह रही है वो बताइए हमें। धन्यवाद। मैं अभी यहाँ जनता के समक्ष आपको ये बताना चाहता हूँ और एन स्टार न्यूज के सामने ये खुलासा करना चाहता हूँ कि आज दिन तक जो भी बीडीसी सदस्य हमारे क्षेत्र में रहा है उसने 1 रुपए का काम जो वो हमारी ग्राम पंचायत में नहीं करवाया। तो मैं कुछ जो मेरी उपलब्धियाँ हैं जो पिछले 5 वर्षों में मैंने काम की है उसकी मैं आपको कुछ झलकेंगे जो आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ ताकि जनता को उसका पता चल सके। मैंने ग्राम पंचायत मझेड़ा के गांव वल को जो आज़ादी के 73 ईयर होने को जा रहे हैं और उसमें आज दिन तक कोई भी जो सड़क की सुविधा नहीं थी, ग्राम पंचायत मझेड़ा के गांव वल की आबादी कम से कम 200 के करीब थी। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि उस गांव के मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उसके उस गांव के लोग पलायन कर चुके हैं, एक भी गांव का वासी वहाँ पर नहीं रह रहा है और मेरी सोच में आया कि मुझे पंचायत समिति से फंड मिला, आपको पता ही है जैसे कि आपको सर्वविदित है कि 14वां वित्त आयोग में पंचायत समितियों और जिला परिषद को जिला परिषद का जो फंड था वो हिमाचल की सरकार ने तथा केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया, इसके बावजूद जो राज्य वित्त आयोग की राशि थी मेरे को जारी हुई, तत्कालीन सरकार हिमाचल 2018 को राशि उपलब्ध हुई, ये राशि 3,93,000 रुपये उपलब्ध हुई। इस सड़क ये जो गांव था इस सड़क को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। साथ में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पंचायतवासी जो कि शमशान घाट न होने के कारण हमारा जो शमशान घाट था वो बहुत ही दूर पड़ता था और शमशान घाट न होने के कारण हमें अंतिम संस्कार के लिए बैजनाथ जाना पड़ता था जिससे कि हमारे लोगों की आर्थिक हानि होती थी और हमें सामाजिक उल्लास का भी सामना करना पड़ता था, परंतु मैं आज इस मंच के माध्यम से एन स्टार न्यूज के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत मझेड़ा में जो शमशान घाट है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गए और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले 5 वर्षों में मैंने क्या क्या और कार्य किए जी। मैंने ग्राम पंचायत धुगो को वाटर प्यूरीफायर के लिए वाटर कूलर के लिए
34,500 रुपए की राशि दो बजे समर्पित करी है। मेरे ही कार्यकाल में अभी मैंने गांव तिरभड़ के लिए वाटर कूलर के लिए 34,500 रुपए की राशि जो स्वीकृत की है। और मेरे ही कार्यकाल में अभी जो हम ग्राम पंचायत मुझेड़ा के लिए जो सड़क बना रहे हैं उसके लिए 75,000 की राशि और स्वीकृत कर दी गई है। तो मैं आपको एन स्टार के न्यूज के माध्यम से मैं अपने पिछले 5 वर्ष की जो उपलब्धियां वो बताना चाहता हूँ। मैंने तत्कालीन विधायक श्री यादविंदर बोम्मा जी से ये निवेदन किया था, ये मांग की थी कि हमारे धार क्षेत्र में शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को तो बहुत दूर जाना पड़ता था और साइंस की कक्षाएं ना होने के कारण मैंने तत्कालीन एमएलए श्री यादविंदर बोम्मा जिनको कि 2 मॉडल स्कूल मिले थे, मैंने उसे उनसे मांग रखी तो उन 2 स्कूलों में से एक स्कूल जो है वो मॉडल स्कूल मुझेड़ा के लिए मैंने घोषित करवाया। राकम जी रिस्पॉन्ड देना चाहते हैं आप ही के पंचायत के प्रधान पद के उम्मीदवार हेमराज जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्वर्गीय कैप्टन आत्माराम जी पूर्व विधायक भी रहे हैं। सबसे पहले आप सभी जनता भी जानती होगी कि साइंस भवन मझेड़ा में जो दिया जो बिल्डिंग भवन बना वो कैप्टन आत्माराम जी की देन रही। जब तक साइंस भवन ना हो तब तक साइंस क्लासेस टीचर आना, जब साइंस भवन बन गया तो इट मींस कि स्कूल साइंस का हो गया जी। पर आपके जो जी आप बताइए, मैंने जो पिछली सरकारों ने किया मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं किसी का विरोध करने के लिए बैठा हूँ। हाँ मैंने विरोध डिमांड विरोध करना बनना है प्रार्थना जी, आप विरोध कीजिए। मैंने डिमांड रखी कि हमें जो ग्राम पंचायत मझेड़ा को मॉडर्न स्कूल दिया जाए, तो वो जो वो मॉडर्न स्कूल हमने ले लिया और जो आज हमारा जो मॉडर्न स्कूल है वहाँ पे अनेक सुविधाएं जो वो वहाँ पे हो रही हैं, जिसमें कि उस जो हमारा मॉडर्न स्कूल है उसमें जिम के लिए 10 लाख रुपए जो जिम का सामान वहाँ पे आ गया है और बच्चे पास स्थानीय निवासी है जो उस जिम में जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक मॉडर्न स्कूल लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं तत्कालीन जो विधायक है उनका भी यहाँ से धन्यवाद। जो मौजूदा विधायक है उनका आपको क्या सहयोग रहा? मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजनीति में हर किसी की विचारधारा जो अलग अलग हो सकती है, परंतु मैं इस माध्यम से आपके माध्यम से ये बताना मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वो उन्होंने इस क्षेत्र में आने तक की जरूरत नहीं समझी है कि ये जो हमारा क्षेत्र है वो ये समझते हैं कि ये जो है वो विकास में बहुत ही आगे है। तो मेरा तो उनसे ये निवेदन रहेगा कि आपने जो इस क्षेत्र के बारे में अभी तक 1 रुपये की राशि जो अभी तक नहीं दी जी। रिस्पॉन्ड कीजिए हेमराज जी, आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, यहाँ पे जो बीडीसी सदस्य उनका कहना है कि मौजूदा विधायक याद आपने रविंदर कुमार जी जो है रवि जी, उन्होंने ग्राम पंचायत मझेड़ा के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया है, इसमें आपका क्या कहना है? कितना सच है और कितना झूठ है? कोई भी विधायक अपनी पॉकेट से तो कुछ नहीं देता है, मगर चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार का होता है, अपने अपने बजट बनाते हैं और बजट के अनुसार समय के अनुसार अपना अपना कार्य चलता है। तो जिसके बारे में आप लोग सभी जनता बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को जानती है कि कैसे कैसे कब कैसे कैसे विकास हुआ और ये विकास का पहिया जो है विधायक आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी कांग्रेस का आएगा कभी बीजेपी का आएगा, कभी बीजेपी का जाएगा कभी कांग्रेस का जाएगा। ये विकास की धारा जो हमारे आप लोगों के जो टैक्स पेड करते हैं उनकी लोगों से पैसे से ये विकास की धारा चलती आ रही है, कहीं 100 रुपये लगता है कहीं 80 रुपये लगते हैं कहीं 20 रुपये लगते हैं, मगर ये निरंतर ये धारा विकास की धारा जो सरकार जो भी आती है निरंतर रूप से चलती रहती है। हमें इस वक्त जो हमारा डिबेट जो है वो हमारा पंचायत लेवल का है, तो हम पंचायत से पंचायत में काफ़ी फंड
एक तो हमारी प्योर 80 पंचायत है और काफ़ी फंड आता है, इसका सही प्रयोग हो और सही तरीके से हर गांव के हर कोने में ये पैसा पहुंचे, यही मेरी इच्छा है। प्रकम जी, आप एक और बात बताइए, हमें तीनवर बाजार जो है वो काफ़ी बड़ा बाजार बन चुका है, आज ये पालमपुर को टक्कर देता है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है शोरूम खुले हैं, बहुत भव्य इमारतें जो है वो यहाँ पे बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आते हैं खरीदारी करने के लिए, मगर आप बीडीसी मेंबर है, दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में आपको तीन बड़े बाजार में शौचालय बनाने की याद क्यों नहीं आई? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा, आज के पहले ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से उप प्रधान बन के अपनी सुप्रधान बना था, तब मैंने एक प्रस्ताव जो तत्कालीन हमारे राज्य लोकसभा के सांसद श्री साता कुमार जी थे, मैंने जब वो यहाँ से दौरा उन्होंने किया, वो चढ़ियार के लिए जा रहे थे, तभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, तभी हमने ये समस्या जो शौचालय की समस्या थी उनके समक्ष रखी। उन्होंने 50,000 रुपये की राशि जो वो उस टॉयलेट के लिए जारी कर दी, परंतु मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी पंचायतवासी या गांववासी ने जगह वो उपलब्ध नहीं कराई। तो 50,000 अगर बात की जाए जगह की, तो तेलगढ़ में सरकारी भूमि भी है, अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो हम आपको सरकारी भूमि के बारे में भी अवगत करवा देंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है, दुख की बात है कि आप किसी राज्यसभा के या लोकसभा के सदस्य से शौचालय के लिए पैसा मांगते हैं, तो ये एक शर्म की बात है। पंचायत में 14वें वित्त योग में 15वें वित्त योग में समग्र के तहत शौचालय बनाने का पूरा प्रावधान है, क्या पंचायत ग्राम पंचायत मंझेड़ा को कभी नजर नहीं आया कि हम समग्र के तहत जो यहाँ शौचालय का निर्माण करें, क्योंकि हमारे जिला कांगड़ा के जिलाधीश महोदय संदीप कुमार जी पूरे कांगड़ा जिला को प्रथम श्रेणी में लाने के लिए नरेंद्र मोदी से पुरस्कार प्राप्त किया, मगर आज यहाँ पे हकीकत जो ग्राउंड है वो कुछ और बता रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं चाहता था कि किसी सार्वजनिक जगह से सार्वजनिक ये मुद्दा जो उठे, परंतु जैसे आपने ये मुद्दा उठाया तो आने वाली ग्राम पंचायतें जो भी होगी, मेरा उनसे डिमांड रहेगा, चाहे मैं उस ग्राम पंचायत में सदस्य के रूप में आऊं या ना आऊं, तो मेरा ये प्रश्न ये रहेगा, मांग रहेगी कि ग्राम पंचायत मझेड़ा में जो 14वां वित्त योग जो है वो समाप्त हो चुका है, अब 15वां वित्त योग की राशि है वो पंचायतों को जारी हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो शौचालय की सुविधा जो तीनवड़ में दी जाए। प्रताप चंद जी, आपने अपने कुछ मुद्दे जो थे रखे, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आपने भी कई सवाल जो थे हमारे तोड़ मरोड़ कर उसका जवाब दिया, क्योंकि आप मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति में, जो सवाल थे उनको आपने सही ढंग से, जो कोशिश ही हमारे पूछने की नहीं बताया, क्योंकि हम चाहते थे आपकी पंचायत में धड़ल्ले से धांधलियाँ हुई है और आपके पंचायत गाँव लुगट में, जो कि हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, उनको आज दिन तक ब्लॉक दंबा गांव ने मजदूरी तक जो वो नहीं दी है, किसी के घर का वाटर टैंक बना था, हमने इसका खबर को पहले भी काफ़ी प्रमुखता से उठाया था, मगर उन गरीब लोगों को आज दिन तक एक रुपया भी नहीं मिला है, उसके लिए दोषी कौन है, पंचायत प्रधान है या पंचायत के कर्मचारी है या खंड कार्यालय है, इसमें बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शिकायत पत्र मेरे पास भी आया था, मैंने जो शिकायत पत्र लंबा गांव जो हमारा ब्लॉक है बीडीओ के समक्ष रखा, तब जाकर इस विषय के ऊपर जो वो शिकायत थी उसकी सुनवाई हुई, तब जाकर जो अभी जो उस विषय में सुनवाई जो चल रही है, अभी पेमेंट नहीं मिली है मजदूरी की, जैसे भी होगा वो पंचायत प्रतिनिधि जो प्रधान है इसके बारे में। जी, आपने अपना समय निकाला हमसे बात के लिए, पुनः फिर आपसे बात करेंगे, आप यहाँ आए थे इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उपलब्धियाँ काफी सराहनीय रही है, आपने बतौर
समिति सदस्य जो कार्य किया है उसके लिए आप जनता उसका रिजल्ट आकलन जो अब करेगी, आप उस पर कितना खरा उतरेंगे वो अभी जनता के हाथ में है। आप और कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलिए जी। मैं आपको जैसे अभी जो मेरा जो पंचायत प्रतिनिधि प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं उनसे उन सभी से ये मेरा निवेदन रहेगा कि मेरी जो भविष्य की योजना है, जो मेरी भविष्य की योजना है वो मैं जनता के समक्ष ले जाऊंगा कि मैं ग्राम पंचायत मझेड़ा को कैसे आगे ले जाऊँगा। तो मेरी तो भविष्य की योजना मैंने लिख के जो अपना घोषणा पत्र है, आज दिन तक किसी भी पंचायत प्रधान ने अपना घोषणा पत्र या जो संकल्प पत्र है वो तैयार नहीं किया होगा। मैंने अपना घोषणा पत्र बिल्कुल तैयार रखा है, मैं अपने घोषणा पत्र के ऊपर अमल करूंगा और इस घोषणा पत्र को मैं सरकारी दस्तावेज बनाऊंगा और पाँच साल के बाद उस दस्तावेज को मैं पूरा पूर्ण रूप से उस दस्तावेज को करने की काम करूंगा। जी प्रथम जी, आप हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी, पुनः आपसे मुलाकात करेंगे घोषणा पत्र को लेके कि आप उस घोषणा पत्र में कितना सही उतरेंगे। आज आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद और आपकी हम जीत की भी कामना करेंगे। अभी आपने एक चीज जो हमें जो अब स्पष्ट रूप से नहीं बताई कि आप किस ग्राम पंचायत मझेड़ा से आप किस पद के लिए जो है वो किस दौड़ में है, किस पद की दौड़ में है वो नहीं बताया। मैं अभी जनता के समक्ष अभी बैठी हुई जनता के समक्ष ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ। मैं आने वाले जो मेरा ये जो पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं सभी का दिल करता है कि वो समाज की सेवा करें। बिना पंचायत के प्रधान के पद के अलावा भी मैं सेवा कर सकता हूँ। मुझे पंचायत पर प्रधान के पद की इच्छा नहीं है, परंतु यदि ग्राम पंचायत मझेड़ा की जनता मुझे ये आश्वासन देगी कि आप पंचायत प्रधान पद के लायक हैं या नहीं, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता मुझे जैसे आदेश करेगी मैं उस पद के लिए खड़ा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।